और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैरखा हूं। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो, जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं।